डियर स्टूडेंट्स, आई एम जितेंद्र कुमार, आई टीच इन भारत भूषण सेकेंडरी स्कूल पेंगल टू। आई टीच साइंस सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, ये जो सूचना है ये 10th क्लास के बच्चों के लिए है जिनका साइंस का पेपर होने वाला है। उनका जो पेपर है जून के लास्ट वीक में होने वाला है, तो उन बच्चों को किस हिसाब से तैयारी करनी है, तो उसके लिए मैं जो हमारे चैप्टर वाइज है स्टडी, तो उसमें बहुत लिमिटेड जो हमारे टॉपिक है उनके बारे में बता रहा हूँ। आपको ध्यान से सुनना और समझना है, तो आप उनको कृपया ध्यान से देखें। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इसमें जो हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो हमारी जो रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में। तो हमारा जैसे फर्स्ट रिएक्शन है हमारी, व्हाट आर कंबाइनेशन रिएक्शंस, तो हमारे कंबाइनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, एग्जाम्पल देना है। तो कंबाइनेशन रिएक्शन को हम योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस या एलिमेंट कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड कंबाइनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक रिएक्टेंट्स जुड़ करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं उनको बोलते हैं हम कंबाइनेशन। फॉर एग्जाम्पल में CaO कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस में H2O। तो ये जो एरो है, एरो से जो लेफ्ट साइड की तरफ होते हैं वो तो होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, और जो एरो से राइट हैंड की तरफ होते हैं वो हमारे होते हैं प्रोडक्ट। तो हमें इसमें पता होना चाहिए कि इसमें एक प्रोडक्ट बनता है, दो हमारे रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंबाइनेशन रिएक्शन। क्या है इसमें CaO प्लस H2O क्या मिलकर बना रहा है, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल है इसका C प्लस में O2, सी मीन्स कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हीट। तो आपको ये जो एग्जाम्पल दे रखा है तो प्लस में हीट भी दे रखा है, तो ये हमारा किसका एक्सोथर्मिक का भी एग्जाम्पल हो सकता है, नीचे भी दे रखा है नेक्स्ट उसमें। तो दूसरी हमारी व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, ऊष्मा भी निकलती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, द केमिकल रिएक्शंस विच आर अकॉम्पनीड या टेक प्लेस भी लगा सकते हैं इसकी जगह विद एवोल्यूशन ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जैसे कम्ब्यूशन रेस्पिरेशन आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक। कम्ब्यूशन का मतलब होता है दहन प्रक्रिया, दहन का मतलब किसी भी वस्तु को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो उसमें क्या निकलता है, हीट निकलती है। अब जैसे कि एग्जाम्पल है CH4 मैथेन है, ठीक है, मैथेन हमारी गैस होती है, ये ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करेगी तो क्या बनाएगी CO2 प्लस H2O प्लस में हीट, इसमें हमारा हीट उत्पन्न हो रही है इसलिए ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है। उसके बाद हमारा अब नेक्स्ट हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी में केवल थोड़ा सा अंतर है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस गिव एग्जांपल, तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, द केमिकल रिएक्शन विच आर अकॉम्पनीड या टेक प्लेस विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो हीट मतलब ऊष्मा अवशोषण के साथ संपन्न होती है उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। जितनी भी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो सब एंडोथर्मिक होती है। एग्जाम्पल में जैसे कि N2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है क्या बनता है NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड माइनस हीट, तो इसमें हमें हीट देनी पड़ रही है इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या है एंडोथर्मिक का है। इससे अगला है कि हमारा व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का मतलब था अपघटन अभिक्रियाएं, जैसा कि हमारा हेडिंग के उससे पता चल रहा है डिकम्पोज, डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। तो क्या होता है, द केमिकल रिएक्शंस इन विच टू और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि हमारे एक रिएक्टेंट्स होता है वो डिकम्पोज होता है, टूटता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, जैसे कि हमारा FeSO4 है, FeSO4 का मतलब फेरस सल्फेट, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये किसमें टूटेगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ हमें एक रिएक्टेंट से
और तीन प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो ये कैसा है हमारा डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन जो रिएक्शंस होती है वो हमारे तीन तरह की होती है, पहला हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन, तीसरा हमारा होता है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो मैं इनको फिर डिफाइन कर रहा हूं। अब हमारा व्हाट व्हाट इज मीन्ड बाय थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब होता है हीट, जब हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो हीट के द्वारा होती है उसको बोलते हम थर्मल डीकम्पोजिशन। तो थर्मल डीकम्पोजिशन क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है कि जो डीकम्पोजिशन होता है वो हीट होने की वजह से होता है। एग्जाम्पल में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये किस में टूटेगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2। यहां हमारा देखो कि एक हमारा रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिल रहे, तो ये कैसा हमारा डीकम्पोजिशन, हीट के द्वारा हो रहा है तो थर्मल डीकम्पोजिशन। तो इससे अगला भी इसी प्रकार है हमारा, इससे अगला है हमारा व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है हमारा विद्युत अपघटन। गिव एग्जाम्पल, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती है उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि द डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए सब्सटेंस इन ए सॉल्यूशन फॉर्म और ए मोल्टन स्टेट। इसमें क्या होता है कि कोई भी हमारा सॉल्यूशन है या तो वो एक्वा सॉल्यूशन होगा, ठीक है, या फिर हमारा मोल्टन फॉर्म में होगा, मोल्टन मतलब पिघली अवस्था में। तो जब हम इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो जो हमारा सब्सटेंस है वो टूटता है, डिकम्पोज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस दे रखी है, तो वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिक करंट जब पास करेंगे तो किसमें टूटेगा, H2+O2, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का से मिलकर बनता है, ठीक है। इससे अगला हमारा, इससे अगला है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक भी बोलते हैं इनको हम, फोटोलिटिक रिएक्शंस। गिव टू एग्जांपल्स, कि ये कह रहा है कि सम कंपाउंड्स व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट गेट डिकम्पोज्ड टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो सब्सटेंस होते हैं, कुछ कंपाउंड जो होते हैं, यदि हम उनको खुले में छोड़ देते हैं, धूप में छोड़ देते हैं, तो वो हीट एनर्जी को अवशोषित करने के कारण टूट जाते हैं। तो जैसे कि हमारा ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा फिल्म जो बनाने के जो हमारे जो पिक्चर्स होती हैं उनमें काम आता है। तो इसमें क्या है कि AGBR, AGBR का मतलब होता है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। अब जब सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की उपस्थिति में हम छोड़ते हैं तो एक इसमें टूटता है Ag++Br2, सिल्वर प्लस में ब्रोमीन, और जो सिल्वर होता है वो हमारा ग्रे कलर का होता है, ठीक है। ऐसे ही है, इससे दूसरा जो एग्जांपल है वो है हमारा फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल्स, जो हमारे प्लांट सेल्स होती है उनमें वाटर का फोटोलिसिस किस प्रकार से होता है। अब देखो जो वाटर है हमारा H2O, जब हम इसको सनलाइट में छोड़ते हैं, पत्तियां जो होती हैं वो हमारा सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, तो ये किस में टूटता है, H+ में इलेक्ट्रॉन प्लस में O2, तो ये हमारा किस में टूट गया, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन के रूप में, ठीक है। तो इससे अगला अब हमारा देखो रिएक्शन दे रखे होंगी आपको, उनके टाइप बताना है कि जैसे हमारी किस तरह की रिएक्शन है, या कंबाइनेशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, फोटोलिटिक है, या फिर हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट है, रेडॉक्स है, कौन सी है। तो ये एग्जांपल दे रखे हैं, इनको देख करके हमें बताना है। जैसे कि हमारा दे रखा है NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब ये टूट करके क्या बना रहा है, Na2CO3 प्लस में H2 प्लस में CO2। सबसे पहले आपको देखना है कि अगर रिएक्टेंट की सॉरी प्रोडक्ट की साइड में एक हमारा एक कंपाउंड है, ठीक है, तो हमारा है कंबाइनेशन रिएक्शन, ठीक है, ध्यान से सुनना है। हमारा जो प्रोडक्ट साइड में एक कंपाउंड है तो वो हमारा कैसा है, वो हमारे कंबाइनेशन रिएक्शन है। अगर हमारा रिएक्टेंट के साथ तरफ एक हो है और प्रोडक्ट में दो से ज्यादा है तो हमारा कौन सा है, डीकम्पोजिशन है, ठीक है। अब ये जो है दे रखा है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारा बेकिंग सोडा का फार्मूला है, तो जब हम इसको हीट करते हैं किस में टूटता है, Na2CO3 प्लस में H2 प्लस
CO2, जो प्रोडक्ट साइड में हमारे तीन कंपाउंड हैं, तो ये कैसा है हमारा डीकंपोजिशन, ठीक है। दूसरा है हमारा ऐसे ही AlOH का हॉल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जब हम इसको हीट करते तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस में H2O, तो हमारा रिएक्टेंट्स एक है प्रोडक्ट दो है, तो कौन सा है डीकम्पोजिशन, ठीक है। इससे अगला है हमारा CaOH का हॉल थ्राइस प्लस CO2, तो हमारा क्या बना रहा है CaCO3 प्लस में H2O, तो ये हमारा क्या किसका है कंबाइनेशन का, ठीक है। ऐसे इससे अगला है कि Fe प्लस S, जो हमारा Fe प्लस S क्या बना रहा है हमारा FeS, तो हमारा रिएक्टेंट्स दो है एक प्रोडक्ट है, तो क्या हमारा कंबाइनेशन का है, ठीक है। अब इससे अगले आएगी हमारी ये है जैसे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इनको डिफाइन करेंगे। व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट, अगर आती है खाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हम उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करेंगे, अगर आती है डबल डिस्प्लेसमेंट तो वो डबल का है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शंस इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट या मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। क्या होता है कि जो भी हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, निकाल देता है, तो क्या बनता हमारा इसमें बनता है हमारा जो बनेगा वो हमारा क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। अब जैसे कि CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस में Fe, तो जब हम कॉपर सल्फेट की Fe मींस आयरन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा FeSO4 बनेगा प्लस में Cu बनेगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा Fe है जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को CuSO4 कॉपर सल्फेट से निकाल देगा और क्या बनाएगा FeSO4 प्लस में Cu बनाएगा। तो ये हमारा किसका एग्जांपल है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का है, ठीक है। इससे अगला है कि FeSO4 प्लस में ZN, हमारा क्या बना रहा है ZnSO4 प्लस में Fe, ठीक है, ये भी हमारा हो गया कि क्यों, क्योंकि जो ZN है वो Fe आयरन से मोर रिएक्टिव है। तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, मेटल नॉन मेटल वाला जो चैप्टर है उसमें हमारे रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो आपको वहां से याद कर लेना, ठीक है। तो अब इसमें एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है हमारा कि ये इसी जो रिएक्शन दे रखी है कि CuSO4 प्लस में FeSO4 प्लस Cu, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट हैपन्स वेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयरन, तो जो क्या होता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, क्या होता है कि अभी बताया कि हमने कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है Fe के साथ रिएक्ट करता है, कि जो Fe जो होता है आयरन जो है इससे कॉपर से मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव होने के कारण इसको इससे सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है, तो हमारा क्या बनेगा इसमें FeSO4 बनेगा प्लस में Cu बनेगा, ठीक है। अब इससे अगला वाला हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन दोनों तरफ विस्थापन होता है इसमें, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड, या इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसमें बुक में दे रखा है और मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, द केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको ध्यान से सुनना है और आपको यहां से ये नोट कर लेना है, क्या होता है कि हम डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, द केमिकल रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। चाहे तो आप इसको कर सकते हैं या फिर जो मैं बोल रहा हूँ उसको कर सकते हैं, एग्जाम्पल दोनों में एक रहेगा कि हमारा जैसे कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट किसके साथ रिएक्ट करेगा BaCl2, तो क्या बना रहा है NaCl बना रहा है प्लस में BaSO4 बना रहा है। तो इसमें आपको एक चीज और बता दे रहा हूं मैं, इसमें जो एरो है वो नीचे की तरफ लगा हुआ है, तो इसका मतलब है जो BaSO4 है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में है हमारा, ठीक है, इसलिए इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं और ये प्रेसिपिटेशन का भी एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। और इसका और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको कि आपने जो सेकंड चैप्टर हमारा एसिड बेस और साल्ट वाला, तो उसमें आपने एसिड और बेस की जो रिएक्शन पढ़ी होगी कि क्या होता है कि जो हमारा एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा उसमें
वाटर बनता है प्लस में साल्ट बनता है, तो उसमें हमारा आयन एक्सचेंज होते हैं, तो वो भी इसका एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट का। और न्यूट्रलाइजेशन वो होते हैं, मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, जैसे कि हम इसमें एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं NaOH प्लस में HCl, तो क्या बनेगा NaCl प्लस में H2O, इसको आप नोट कर सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन में भी चलेगा ये एग्जाम्पल और डबल डिस्प्लेसमेंट में भी चलेगा। इससे अगला हमारा से मतलब कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो इनको हम अवक्षेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं। अवक्षेपी क्या होता है, द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इज सॉलिड। जो भी हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उनमें से जो एक प्रोडक्ट होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब सॉलिड फॉर्म क्या होते हैं, इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है, जो गाढ़ा सॉल्यूशन जो बनता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। एग्जाम्पल में मैंने ऊपर वाला भी चल जाएगा Na2SO4 प्लस BaCl2, तो ये NaCl प्लस में BSO4, और चाहे तो आप इसको यहां से भी ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ये दे भी रखा है नीचे वाले में। ठीक है, AlCl3 प्लस में NH4OH, तो ये क्या बना रहा है, AlOH का होल थ्राइस प्लस में NH3 अमोनिया बना रहा है। तो इसमें जो AlOH का होल थ्राइस है एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट, सॉरी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये किस में, प्रेसिपिटेट फॉर्म में है। ठीक है, अब हमारा इससे आगे वाला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो अभी बताया मैंने न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल करना। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। जैसे कि NaOH प्लस में HCl, तो क्या बना रहा है NaCl प्लस में H2O। ये हमारी पार्टिकुलर है। अब जैसे कि मान लो KOH है हमारा HCl के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, KCl बनाएगा, KCl प्लस H2O। ठीक है, वो आप जनरल कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, उससे अगला हमारा व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और रेडॉक्स, ये जो तीन रिएक्शंस हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस हैं, आप इनको आप ढंग से याद करें, लिख कर देखें, इनमें से दो नंबर की एक रिएक्शन 101% आएगी, और आपको विद एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो उससे अगला हमारा ये हो गया व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन। देखो दो चीज होती है इसमें हमारे, एक होता हमारा रिडक्शन, एक होता ऑक्सीडेशन, इनमें केवल थोड़ा सा फर्क है। आप एक चीज को याद करो और दूसरी उसकी रिवर्स है, तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। जैसे आप हमारा ऑक्सीडेशन को याद करते हैं, तो ऑक्सीडेशन को याद करेंगे तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन का अब देखो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, इट इज डिफाइंडेड एज द प्रोसेस या चेंज विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू द सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कहने का मतलब क्या है इसमें, द केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो कोई हमारी अभिक्रिया उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है या फिर हमारा हाइड्रोजन निकल जाती है। रिमूवल का मतलब तो निकलना, तो वो हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन है। कि जैसे सी प्लस में ओ टू सीओ टू, तो ये जो एग्जाम्पल है सीओ टू वाला, सी प्लस में ओ टू, तो देखो सी मीन्स कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना रही है, सीओ टू बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओ टू कार्बन के साथ जुड़ गई तो क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, कैसा एग्जाम्पल है, कंबाइनेशन का भी है। प्लस में आप इसमें हीट और आएगी इसमें, कि जो कार्बन है, कार्बन मीन्स जो लकड़ी है, लकड़ी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है जलती है तो क्या बनता है, सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, प्लस में हीट बनती है। तो ये हमारा एक्सोथर्मिक का भी एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल हमारी तीन रिएक्शंस में चल सकता है। ठीक है, रिएक्शन आपको याद रखनी है और एग्जाम्पल भी याद रखने, बिना एग्जाम्पल के रिएक्शन जो होती है वो हमारे अधूरी होती है और आपको मार्क नहीं मिलेंगे। ठीक है, इससे अगला हमारा रिडक्शन में इसका उल्टा होता है। उसमें तो हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ था ऑक्सीडेशन में, इसमें हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब रिडक्शन कैसे याद रखेंगे, द प्रोसेस या चेंज, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो निकल रही है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ये इसमें क्या है कि इसमें या तो ऑक्सीजन निकल रही होती है या फिर हाइड्रोजन जुड़ रही होती है। एग्जाम्पल में आप देखोगे, ठीक है, एग्जाम्पल में दे रखा है हमारा ZnO, ठीक है, ये दे रखा है ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस में CO, तो ये जो रिएक्ट करेगा आपस में क्या बना रहा है हमारा, Zn प्लस CO2। तो आप इसमें अब ध्यान से देखो, ZnO जिंक जो ऑक्साइड है,
पहले जेड एन ओ में जिंक में ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, तो इसमें आप प्रोडक्ट एड में देखो जेड एन जिंक में से ऑक्सीजन निकल गई, तो हमारा रिमूवल हो गया किसका, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का। तो ये क्या है, ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया हमारा रिडक्शन का। ठीक है, अब सीओ, अब इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई है, सीओ किस में जा रहा है, सीओ टू में ऑक्सीजन जुड़ गई, तो एडिशन हो गया ऑक्सीजन का, ये किसका है, ऑक्सीडेशन का। अब ये दोनों जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, रेडॉक्स का। ठीक है, तो ये रेडॉक्स का भी एग्जाम्पल हो गया, हो जाएगा। रेडॉक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस एट ए सेम टाइम इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया। इससे अगला हमारा डिफाइन द टर्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिफाइन द टर्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट विद एग्जाम्पल। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इट इज डिफाइंडेड एज ए सबस्टांस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन और अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या रेडिकल्स और रिमूव हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स या रेडिकल। तो ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड कराएगा ऑक्सीजन कराएगा, या फिर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को प्रोवाइड कराएगा, या फिर ये हमारा रिमूव करते हैं हाइड्रोजन और अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो जैसे कि हमारा ऑक्सीजन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन, ये तो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं इट इज डिफाइंड एज सबस्टांस विच प्रोवाइड हाइड्रोजन और अदर एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स या एलिमेंट और रिमूव ऑक्सीजन और अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इनमें से आपको एक याद रखना है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को याद रख लो तो उसका रिवर्स होता हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट में हमारा कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया और हमारा सोडियम आ गया, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, जो हमारे नॉन मेटल्स होती हैं वो तो हमारे होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो मेटल होती है वो होती है हमारे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इससे अगला है हमारा अब व्हाट आर रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, रेडॉक्स मैंने अभी बताया, रेडॉक्स को हम उपोपचयी अभिक्रिया बोलते हैं, द केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है कि वे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक साथ साथ होते हैं उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल में हमारा जैसे कि CuO कॉपर ऑक्साइड H2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता, क्या बनता है Cu प्लस में H2। तो देखो पहले इसमें हमारा एरो दे रखा है, एरो लगा रखा है, इसमें एरो लगाकर कह रहा है कि ये CuO प्लस H2, तो CuO पहले Cu जो है कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, इसमें हमारा ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन का हटना क्या होता है हमारा रिडक्शन, तो ये हमारा रिडक्शन हो गया। अब इसमें जैसे कि H2, तो H2 पहले इसमें हमारा ऑक्सीजन नहीं था, अब इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है ऑक्सीडेशन। अब दोनों ही हमारे एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, तो किसका एग्जांपल है ये, रेडॉक्स का। ठीक है, तो इसमें हमारा एक एक चीज और ध्यान सुनो कि इसमें से हमारा जैसे CuO प्लस H2 या Cu प्लस H2, तो इसमें हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पूछेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं। तो इसमें CuO, तो CuO में से ऑक्सीजन निकल रही है, तो Cu हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो हाइड्रोजन H2O वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, वो चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अगला हमारा Y सोडियम, सोडियम जो है सोडियम एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अभी मैंने बताया था सोडियम क्या हमारा मेटल है, तो जो मेटल होता है अधिकतर जो मेटल है वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं, अब जैसे अगला इसमें पूछ रहा है व्हाइल, जबकि जो क्लोरीन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ है। तो ये हमें डिफाइन करना है कि जो हमारा सोडियम है वो तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है, जबकि जो क्लोरीन है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, क्यों। तो आप इसमें ध्यान से सुनना है कि एनी एलिमेंट विच इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है, एंड विच कैन प्रोवाइड लॉस इलेक्ट्रॉन,
कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब जिस पर हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो उस पर कैसे चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो ये क्या है, एज ए एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेंगे। अब जैसे कि ये सोडियम है, सोडियम का सिंबल Na होता है, एटोमिक नंबर कितना है इसका, 11 है, एटोमिक नंबर 11 है, दैट मींस इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 है। अब 2, 8, 1 ये दे रखा है नीचे, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। तो इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो देखो इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस लास्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऐसे इलेक्ट्रॉन या तो लेने पड़ते हैं या देने पड़ते हैं, ध्यान रखना है। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, और अगर गेन करता है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मींस जो सोडियम है वो Na प्लस में जा रहा है, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ Na प्लस का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या है हमारा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। इसमें दे रखा है कि सोडियम एटम कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन इजीली, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है आसानी से लूज कर देता है, प्रोवाइड करा देता है, सो इट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड सॉरी एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी पूछ सकता है, जो हमारा कोई भी है एग्जामिनर, वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कह रहा है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना क्या है, ऑक्सीडेशन, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है, हमारा रिडक्शन। अब इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि क्लोरीन के ऊपर पूछा था पहले, क्लोरीन ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, पहले तो हमारा पूछा था कि जो सोडियम है एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि जो क्लोरीन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सोडियम का तो हमने बता दिया, तो अब हम क्लोरीन के बारे में बताएंगे। क्लोरीन ऑन द अदर हैंड इट इज इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका एटम नंबर कितना होता है, 17 होता है, 2, 8, 7 इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो गया, लास्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है ये हमारा, ठीक है। Cl 2, 8, 7 इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो गया, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस, तो Cl माइनस पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, 8, 8, दैट मींस 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक चीज ये ध्यान रखना है। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है, गेन का मतलब ग्रहण करना, लेना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमारा रिडक्शन, ठीक है। तो इससे अगला है क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ए ग्रीन आयरन साल्ट इज हीटेड स्ट्रॉन्गली, कोई हमारा आयरन साल्ट है और उसका कलर कैसा है, ग्रीन है, और उसको हम हीट करते हैं, तो इट्स कलर फाइनली चेंज टू ब्राउन या ब्लैक, एंड द ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर इज गिवन आउट। क्या होता है कि कोई आयरन का साल्ट है, ग्रीन कलर का है, हम उसको हीट करते हैं, तो उसका जो ग्रीन कलर है लास्ट में किस में चेंज हो जाता है, ब्राउन या ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, और उसमें ऐसे हमारा सल्फर, जैसे हमारा सल्फर जो है उसके जलने की गंध होती है, उसी प्रकार की गंध आती है, और उसके लिए हमें, अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, नेम द आयरन साल्ट, उस आयरन साल्ट का नाम लिखना है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन के लिए केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तीसरा है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इसमें हमारे इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ध्यान सुने। अब देखो इसमें दे रखा है हमारा, द आयरन साल्ट इज हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, तो ये हमारा क्या है, फेरस सल्फेट। एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे हमारा कॉपर सल्फेट है या फेरस सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, तो ये ऐसे जो FeSO4 है, फेरस सल्फेट है, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है, हाइड्रेटेड फॉर्म मतलब ये हमारा आणविक, उसमें जो वाटर है वो इसमें क्रिस्टलन फॉर्म के रूप में है, ठीक है। तो FeSO4 इसमें 7H2, ये हमारा फेरस सल्फेट का फॉर्मूला, और इसका कलर कैसा होता है,
ग्रीन कलर होता है जब हम इसको हीट करते हैं, तो यह डीकम्पोज होता है किसमें, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में, प्लस में SO3 में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो ये हमारे इसके लिए रिएक्शंस होगी। पहले में तो साल्ट का नाम क्या हो गया, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। दूसरे में पूछा था राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ये इसके लिए इक्वेशंस होगी। और तीसरे में हमें नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, इसमें हमें टाइप बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा प्रोडक्ट साइड एक वो हमारा कंपाउंड है तो हमारा कंबाइनेशन रिएक्शन है, अगर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड है तो हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये हमारा प्रोडक्ट, देखो एरो से राइट हैंड की तरफ जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट में आते हैं। तो इसमें हमारा Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3, ये हमारे तीन कंपाउंड हैं। अब हमारे एक ही रिएक्टेंट से तीन कंपाउंड बन रहे हैं, तो क्या ये हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो इससे अगला है हमारा एक कलरलेस लेड साल्ट व्हेन हीटेड प्रोड्यूस ए येलो रेजिड्यू एंड ए ब्राउन फ्यूम्स। तो ये कह रहा है कि कोई हमारा लेड साल्ट है, शीशे का कोई भी हमारा लवण है, तो जब कलरलेस है वो, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो क्या करता है, वो उसमें हमारा येलो रेजिड्यू, उसमें मतलब लाल पीले कलर का अपशिष्ट पदार्थ बचता है, एंड ब्राउन फ्यूम्स, और उसमें ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं। तो पहले कह रहा है नेम द लेड साल्ट, लेड साल्ट का नाम लिखना है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, रिएक्शन लिखनी है। तीसरा है नेम द ब्राउन फ्यूम्स, जो हमारे ब्राउन फ्यूम्स हैं जो निकली हैं, तो उनका वो बताना है, नेम बताना है। तो लेड नाइट्रेट साल्ट का क्या नाम है, लेड नाइट्रेट। अब देखो लेड के लिए क्या लगाते हैं हम, PbNO3 नाइट्रेट है हमारा, तो PbNO3 का होल ट्वाइस, ये हमारा लेड नाइट्रेट साल्ट है। अब ये हमारा देखो डीकम्पोज होता है, टूटता है, तो किस में टूटेगा, PbO प्लस में NO2 प्लस में O2। अब ये हमारा PbO लेड ऑक्साइड बन गया, प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, प्लस में O2। तो ये इसके लिए केमिकल इक्वेशन होगी। अब तीसरे में पूछ रहा है नेम द ब्राउन फ्यूम्स, तो जो ब्राउन फ्यूम्स आर दैट ऑफ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ये ब्राउन फ्यूम्स होंगे हमारे। ठीक है, अब इससे अगला है हमारा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन ए जिंक स्ट्रिप इज डिप्ड इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आपने ध्यान से सुनना है कि हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, जो कॉपर सल्फेट है वो तो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म में। अब ये कह रहा है कि जो जिंक स्ट्रिप, जिंक की कोई छड़ी है, इसके साथ जब रिएक्ट करेगी तो क्या होगा। तो हमें देखना है कि व्हेन जिंक स्ट्रिप इज प्लेस इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो इसमें फॉलोइंग रिएक्शन होगी, तो क्या क्या रिएक्शन होगी, जो जिंक है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव है तो ये क्या करेगी कि लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगी हमारा। तो एक एग्जांपल में क्या हो जाएगा, इसमें CuSO4 प्लस में Zn, तो क्या बन जाएगा हमारा ZnSO4 बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस में Cu, तो Cu को इसने डिस्प्लेस कर दिया। अब ये रिएक्शन कौन सी होगी, हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है, तो जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, ये इसके साल्ट सॉल्यूशन से इसको डिस्प्लेस कर देगी। तो हमारा क्या एग्जांपल, किसका एग्जांपल हो गया, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, अब करते हैं हमारा व्हाट हैपेंस व्हेन ए पीस ऑफ आयरन मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये मैंने आपको जब सिंगल डिस्प्लेसमेंट हेडिंग बताई थी तो उसमें भी बताया था कि व्हाट हैपेंस व्हेन ए पीस ऑफ आयरन मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसके साथ हम आयरन की कोई लोहे की कील उसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, और हमें रिएक्शन का वो बताना है, टाइप भी बताना है, किस तरह की रिएक्शन है। तो द रिएक्शन कैन बी रिटन एज, तो कॉपर सल्फेट होता है हमारा CuSO4, इसको हम कॉपर सल्फेट को ब्लू विड्रॉल बोलते हैं, और इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है हमारा नीला। ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन में है। अब जो आयरन है आयरन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, आयरन जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को कॉपर सल्फेट से निकाल देगी, तो ये क्या बन जाएगा हमारा FeSO4 बनेगा प्लस में Cu बन जाएगा। ठीक है, तो क्यों बनेगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा जो आयरन है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है, इसलिए इसको
कॉपर सल्फेट से निकाल करके किस में बना देगी, वो फेरस सल्फेट बन जाएगा। और फेरस सल्फेट जो होता है उसका कलर कैसा होता है, लाइट ग्रीन। ठीक है, अब इसमें देखो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर तो डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, दिस इज ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये किसका एग्जांपल हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट का। इससे अगला है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट। ये हमें स्टेटमेंट दे रखा है और इसके लिए आपको रिएक्शन लिखनी है। क्या स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है व्हेन ए कॉपर मेटल स्ट्रिप, कॉपर मेटल की कोई छड़ है, इज इट प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ उसको रिएक्ट कराया जाता है तो मेटलिक सिल्वर इज ऑब्टेंड, जो हमारा मेटलिक सिल्वर ऑब्टेंड होता है। तो इसमें देखो जो सिल्वर नाइट्रेट बन रहा है, मेटलिक सिल्वर जो बन रहा है वो तो हमारे किस में आ जाएगा, प्रोडक्ट में। तो अब देखो हमारा सिल्वर नाइट्रेट, पहले तो हमारा क्या है कि जो हमारा कॉपर मेटल है वो किसके साथ रिएक्ट कर रही है, सिल्वर नाइट्रेट के। तो सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या है, AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया। अब कॉपर रिएक्ट करे तो Cu कॉपर हो गया, तो ये आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट बनता है प्लस में Ag बनता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा कॉपर है वो Ag से मोर रिएक्टिव है, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर सो इट डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, इससे अगला है हमारा When copper powder is heating strongly in air, it form copper oxide. Statement दे रखा है, हमें लिखना बताना है। तो write a balance chemical equation for the reaction. इसके लिए हमें chemical reaction लिखनी है। क्या कह रहा है कि जो हमारा silver powder है, sorry copper powder है, copper powder को air के साथ, copper powder को air के साथ strongly heat किया जाता है, तो हमारा copper oxide बनता है। और इसका हमें, इसके लिए chemical reaction लिखनी है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो कॉपर पाउडर Cu हमारा कॉपर हो गया, ये पाउडर फॉर्म में, O2 ऑक्सीजन है, एयर में पाई जाती है हमारी, इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब देखो किसी भी को जो हमारा कोई भी कंपाउंड है, एलिमेंट है, उसमें हमारा ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, वो ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या बन गया, CuO बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, समझ में आया, तो कॉपर ऑक्साइड हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो अब इसमें कह रहा है कि बैलेंस लिखनी, मैंने बता दिया ये आपको। अब इसके साथ एक क्वेश्चन और है कि नेम द सबस्टांस ऑक्सीडाइज एंड द सबस्टांस रिड्यूस। अब इसमें हमें ये और बताना है कि इनमें से कौन सा तो सबस्टांस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूज हुआ है। तो मैंने इसमें देखो, यदि कोई भी कंपाउंड एलिमेंट है उसमें हमारा ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसका तो ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें जुड़ रही है वो हमारा ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, ऐसी ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, हमारा रिडक्शन। ठीक है, अगला हमारा व्हाट इज रस्टिंग, रस्टिंग क्या है, सॉरी इससे ये क्वेश्चन हो रही है, व्हाट इज मीन्ट बाय कोरिजन, कोरिजन से आप क्या समझते हैं। इन लिस्ट सूची बनानी है द फैक्टर विच अफेक्ट कोरिजन, जो कोरिजन को प्रभावित करते हैं हमारे। तो कोरिजन क्या होता है, कोरिजन मे बी डिफेंडेड एज द वीकनिंग ऑफ मेटल्स ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि जो हमारे मेटल्स हैं या मेटल से बने कोई भी हमारे सब्सटेंस हैं, पदार्थ हैं, उनका एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण कमजोर होना क्या कहलाता है, हमारा कोरिजन कहलाता है। एनवायरमेंटल इफेक्ट में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि अब इसमें हमारा हो गया वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनके कारण उनका कमजोर होना, ये हमारा क्या कहलाता है, कोरिजन। अब फैक्टर अफेक्टिंग कोरिजन, कोरिजन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, कि पहला हमारा नेचर ऑफ मेटल, कि जो मेटल है वो किस तरह की, रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है या इनर्ट है। अगर हमारी रिएक्टिव मेटल है तो कोरिजन की जो दर होगी वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, लेस रिएक्टिव में कम होगी और इनर्ट में हमारी बिल्कुल ही कम होती है। जैसे कि हमारा सोना और जो चांदी है, ठीक है, गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनियम है, ये हमारे इनर्ट में आते हैं, तो इनमें हमारा कोरिजन की जो दर होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, जबकि जो लोहा है वो हमारा रिएक्टिव में आता है, ठीक है, लेस रिएक्टिव में, तो इसकी हमारे कोरिजन की दर ज्यादा होती है। दूसरा है एयर ऑक्सीजन एंड पॉल्यूटेंट गैसेस लाइक सल्फर, सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, कि हमारी जो एयर, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है या फिर हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड है,
इनमें जो ये होते हैं ये हमारे ऑक्सीडेशन सॉरी कोरिजन की दर को ज्यादा बढ़ाते हैं। ये अगर एयर में अगर ये हमारे हैं जैसे कि हमारा सल्फर डाइऑक्साइड हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये क्या करते हैं ऑक्सीडेशन कोरिजन को ही हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है उसको बढ़ावा देते हैं। तीसरा हमारा प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर का मतलब नमी, यदि हमारे किसी स्थान पर नमी है तो वो भी हमारे कोरिजन को बढ़ावा देता है। इससे अगला है व्हाट इज रस्टिंग, रस्टिंग क्या है जंग लगना। हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स, हम लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो रस्टिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ए ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस रस्ट, कि क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन पाउडरी, ब्राउन मतलब भूरे रंग का, लाल भूरे रंग का जो पाउडरी सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं हम रस्ट। ओवर द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स, लोहे की वस्तुओं के ऊपर हल्के लाल भूरे रंग का जो पदार्थ बनता है पाउडर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम रस्ट बोलते हैं, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं रस्टिंग। तो केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट कैन बी रिटर्न एज, जो रस्ट का फार्मूला है वो हमारा Fe2O3.XH2O, ये हमारा रस्ट का फार्मूला है। रस्टिंग टेक प्लेस ड्यू टू रिएक्शन ऑफ आयरन विद ऑक्सीजन एंड वाटर, जो रस्टिंग है वो किसके कारण होती है कि जो भी हमारा आयरन जो आर्टिकल्स हैं उनकी ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करने पर। तो पहला हम कह रहे हैं कि प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आयरन जो है उसको रस्ट होने से किस प्रकार से बचाया जा सकता है, पहला हमारा बाई पेंटिंग आयरन आर्टिकल्स, लोहे की वस्तुओं को पेंट करके, जैसे कि हमारे जो लोहे के आर्टिकल्स होते हैं उनको हम पेंट करते हैं। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रो प्लेटिंग ऑफ कॉपर, कॉपर की परत चढ़ा करके। तीसरा है गैल्वनाइजेशन, इसको हम बोलते हैं यस दलेपन, लेयरिंग ऑफ आयरन विद जिंक, जो लेयरिंग ऑफ आयरन, आयरन की जो वस्तु होती है उनके ऊपर जिंक की परत चढ़ाना। तो इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि जो गैल्वनाइजेशन होता है उसमें किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की, ठीक है। इससे अगला है कि बाई प्रिपेयरिंग एलोज लाइक स्टेनलेस स्टील क्रोम स्टील एंड निकल स्टील, तो हमें एलो बना करके मिश्र धातु बना करके, क्यों, क्योंकि जो मिश्र धातुओं में हमारा रस्टिंग की जो दर होती है कोरिजन की जो दर होती है वो कम होती है और उसमें हमारा जंग कम लगता है। इससे अगला हमारा व्हाट इज रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी का मतलब होता है द चेंज इन कलर स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड आर्टिकल्स कंटेनिंग ऑयल एंड फैट ड्यू टू देयर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है कि कोई भी हमारी खाद्य सामग्री उसके रंग गंध स्मेल का मतलब गंध एंड जो भी हमारा टेस्ट ऑफ फूड आर्टिकल और उनके जो स्वाद है फूड आर्टिकल्स का उनमें परिवर्तन आ जाना क्या कहलाता है हमारा रेंसिडिटी कहलाता है। तो इसमें क्या होता है इट स्पॉइल्स द फूड एंड मेक्स इट अनफिट फॉर कंजप्शन, तो ये क्या करता है कि ये हमारे भोजन को खराब कर देता है जो हमारे खाने योग्य नहीं होता है। तो द रेंसिड फूड कैन कॉज फूड पॉइजनिंग, ये किसका कारण बनता है, फूड पॉइजनिंग कारण बनता है जिसकी वजह से हमें हमें बीमारी हो जाती है, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि प्रिवेंशन और दे रखे इसके प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी मतलब रेंसिडिटी को रोकने के उपाय। तो क्या है कि बाय कीपिंग द फूड आर्टिकल्स इन एयर टाइट कंटेनर्स, इनको वायु रुद्ध डिब्बों में बंद रखना चाहिए ताकि इनमें जो हमारा जो एयर है वो पास ना हो। दूसरी बात बाय पैकिंग चिप्स, जो भी हमारे चिप्स चिप्स पार्टिकल सॉरी चिप्स होते हैं या कोई भी हमारा सब्सटेंस होता है जो पैकेज में आता है विद इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन, उनको नाइट्रोजन जैसी गैसों के साथ पैक करना चाहिए। तीसरा है बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स का वो करना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट मतलब प्रतिऑक्सीकारक, ये क्या करते हैं कि ये हमारे ऑक्सीडेशन की दर को कम कर देते हैं। द केमिकल विच स्लो डाउन द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आर्टिकल्स, ये हमारे फूड आर्टिकल्स के ऑक्सीडेशन को कम कर देते हैं, और ऑक्सीडेशन फूड का ऑक्सीडेशन होना क्या है हमारा रेंसिडिटी, ठीक है। अब डिफाइन और पूछ रहा है इसमें अगला ही क्वेश्चन है व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रतिऑक्सीकारक क्या होते हैं, व्हाई आर दे एडेड टू पैकेज फूड आर्टिकल्स, जो भी हमारी जो पैकिंग जो खाद्य सामग्री आती है उनमें उनका उपयोग क्यों किया जाता है, गिव टू एग्जाम्पल और दो एग्जाम्पल देने में। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, द सब्सटेंस
या केमिकल्स बोल सकते हैं उनको हम, विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, मतलब रोकते हैं। दे आर एडेड टू पैकेज फूड सो एज टू प्रिवेंट इट्स ऑक्सीडेशन और स्पॉइलेज ऑफ द फूड। तो जो हमारे भोजन को खराब होने से रोकने के लिए और उनका ऑक्सीडेशन रोकने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो अब इसमें जैसे कि हमारे दो ये हो गए एंटीऑक्सीडेंट्स, BHA और BHT। BHA का मतलब होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनासोल, और इसका ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, ठीक है। BHT और BHA ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, क्या करते हैं रेट ऑफ ऑक्सीडेशन को कम कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये जो चैप्टर है मैंने पूरा इसमें का ज्यादातर मेन मेन जो हमारे जो टॉपिक है वो करा दिए, तो आप इनको ढंग से करें, रिवाइज करें, लिख करके देखें, ठीक है। यस इसके साथ थैंक यस यू। यस।